लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली में हुई भारी बारिश, रात भर जारी रहने की संभावना। राजधानी में आज शाम भारी बारिश हुई, इसके साथ ही मौसम विभाग ने रात भर बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर के बाद 15:34 बजे शहर में तेज हवाएं चली, जिसकी रफ्तार 61 किलोमीटर प्रति घंटे थी और यह 15:36 बजे तक जारी रही। अधिकारी ने बताया कि सफदरजंग वेधशाला ने सुबह 8:30 बजे और शाम 5:30 बजे के बीच 34.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। लोधी रोड और पालम इलाके में भी जमकर बारिश हुई। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री ऊपर है, जबकि न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। आर्द्रता का स्तर 54% और 90% के बीच रहा। असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी। गुवाहाटी, असम में 2 और जिलों में पानी घुस जाने के बाद आज राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई तथा बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ACMA ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। ACMA के अनुसार 7 जिलों धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, चिरांग, कोकराझार, माजुली और डिब्रूगढ़ में बाढ़ से 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित लखीमपुर हुआ है, जहां 26,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं।